नैनीताल में बीते महीने आयोजित नंदा देवी महोत्सव के दौरान सोशल मीडिया पर मां नंदा सुनंदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मल्लीताल कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। धरने के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। हिंदूवादी संगठन ने कहा कि सोशल मीडिया में कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और इस दौरान धरना प्रदर्शन में नितिन कार्की, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द ही कार्रवाई की जाए। जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो पुलिस अधिकारियों का कहना था कि जांच की जा रही है और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। मां नंदा सुनंदा मेले के समय पर इंस्टाग्राम में किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की थी, उसके सापेक्ष जब आज मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई कि उसको उस पोस्ट पर डिलीट करा दिया गया था। एक FIR थाने पर मिली थी उस अभद्र टिप्पणी को लेकर, जिसको साइबर सेल को थाने ने प्रेषित कर दिया। साइबर सेल उसकी जांच कर रहा था और आज यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कोतवाली के सामने हाईवे को जाम कर रहे हैं। उनको हाईवे जाम नहीं करना चाहिए, उनको वो लोग मेरे से नहीं मिले, कप्तान साहब से नहीं मिले मुकदमे को लेकर, और वो हाईवे जाम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि मां नंदा सुनंदा पर कोई किसी के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, तो हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियोग पंजीकृत करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।